नरेंद्र मोदी जी की सरकार का 1 साल पूरा हुआ और 1 साल पूरा होने की खुशी में उन्होंने देश के और दिल्ली के लोगों को आज ये नोटिफिकेशन तोहफे के रूप में दिया है। 3 MLA लेकर नरेंद्र मोदी जी, मोदी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार अब दिल्ली सरकार चलाने की कोशिश कर रही है बैकडोर से। जो ये नोटिफिकेशन है ये दिल्ली के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। दिल्ली के लोगों को की पीठ में एक तरह से छुरा घोंपा है इन लोगों ने। दिल्ली सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और उस वजह से ये लोग बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो ये नोटिफिकेशन जारी करने की जो असली कारण है वो कारण इसके आखिरी पैराग्राफ में मिलता है। एंटी करप्शन ब्रांच पुलिस स्टेशन शैल नॉट टेक एनी कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस एम्प्लॉयज एंड फंक्शनरीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जब से दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार बनी है दिल्ली में भ्रष्टाचार में भारी कमी आई है। शायद इतिहास के अंदर सबसे ईमानदार सरकार है और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है। अभी तक 36 ऑफिसर्स गिरफ्तार हो चुके हैं, 152 सस्पेंड हो चुके हैं। कहीं भी आप चले जाइए दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचारियों के मन में खौफ है। उस खौफ ने आज इस नोटिफिकेशन को जन्म दिया है। इस नोटिफिकेशन में लिखा है कि केंद्र सरकार के अधिकारियों और ऑफिशियल्स के खिलाफ, मंत्रियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा भ्रष्टाचार का। तो कहीं ना कहीं तो दाल में काला है, किसी ना किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। क्या करती थी लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, मैं जब से आया हूँ मैंने सुना है, कई ऑफिसर्स ने मुझे बताया, खूब पैसे चला करते थे। 3 महीने के अंदर दिल्ली की इस ट्रांसफर पोस्टिंग इंडस्ट्री को बंद कर दिया, खत्म कर दिया। मनीष सिसोदिया मंत्री हैं उसके, मनीष सिसोदिया को कई अधिकारी बताते हैं। अभी जब पिछले दिनों एक ट्रांसफर ऑर्डर निकाल रहे थे तो कई लोग आए, जी फलाने फलाने ऑफिसर का वहाँ पोस्टिंग कर दो। एक पर्टिकुलर पोस्टिंग के लिए खूब सिफारिशें चल रही थी, तो मनीष ने पता किया तो पता चला यहाँ पे कितने पैसे बनते हैं। ये सारी इंडस्ट्री को बंद कर दिया। अब ये जितने भ्रष्टाचारी थे जो पैसे दे के ट्रांसफ़र कराया करते थे वो सारे दौड़े दौड़े गए राजनाथ सिंह जी के पास, गए नरेंद्र मोदी जी की सरकार के पास, गए PMO में गए, और अब ये सारी ट्रांसफ़र की पावर अपने अंडर में लेना चाहते हैं। हम लोग इतनी बार मिले इन लोगों से, कभी LG साहब ने ये नहीं पूछा अरविंद दिल्ली में बिजली ठीक ठाक है, कभी नहीं पूछा अरविंद सबको बिजली मिल रही है, कभी उन्होंने नहीं पूछा सबको पानी में। ट्रांसफर पोस्टिंग हमको दे दो, ट्रांसफर पोस्टिंग चाहिए इनको सबको। तो कहीं ना कहीं तो सर गड़बड़ है इसके अंदर, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। अब ये क्या चाहते हैं कि हम अपने अफसरों को पोस्ट करेंगे दिल्ली के अंदर और अपने पोस्टरों को पोस्ट करके उनको अपने BJP और कांग्रेस वालों को ठेके दिलवाएंगे उन अफसरों के थ्रू। क्यों चाहते हैं ये ट्रांसफर पोस्टिंग? एक तो ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे बनते हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग के जरिए अपने अफसर बिठाएंगे। अभी दिल्ली के अंदर BJP और कांग्रेस के जो दलाल थे उनको ठेके मिलने बंद हो गए, घबराए हुए बुरी तरह से। जितने ट्रेडिशनल ठेकेदार थे इनके, जितने दलाल थे, वो सारे भाग गए। अब ये चाहते हैं कि हम अपने अफसर बिठाएंगे और उनके थ्रू उनको ठेके दिलवाएंगे। ये तो हम नहीं होने देंगे, किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। तो अभी इसको एग्जामिन करा रहे हैं हम लोग। वैसे कहते हैं ना कि गलत काम करने चल तो गलतियां हो जाती हैं। अभी मैं पूरे उससे नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक जो मुझे पिछले घंटे दो घंटे में राय मिली है कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स की, इसमें इन्होंने शब्द यूज़ किया सर्विसेज। तो कुछ अभी इसको और एग्जामिन बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, कई लोगों से हम लोगों ने राय मांगी है, शाम तक राय आएंगी या कल तक आएंगी तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। लेकिन मुझे बताया गया कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग सर्विसेज में नहीं आता। सर्विसेज का मतलब होता है सर्विस कंडीशन, आपकी PF, आपका रिक्रूटमेंट रूल, रिक्रूटमेंट रूल भी नहीं, आपकी सर्विस कंडीशंस आती हैं उसके अंदर,
आपकी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। जैसे आपको उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए आपकी आप डेपुटेशन पे ONGC में जाते हैं, तो ONGC आपको देहरादून भेजेगी कि असम भेजेगी, ये ONGC तय करती है। लेकिन अगर आपने वहाँ पे गड़बड़ करी तो आपकी सर्विस कंडीशन पेरेंट कार्डर में होती है, पेरेंट कार्डर आपकी सर्विस कंडीशंस देखता है। तो शायद कंट्रोल तो कब्जा तो ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे करना चाह रहे थे, लेकिन अभी भी शायद एक और नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा इनको कब्जा करने के लिए। रह गया अभी, इसमें आया नहीं, मेरे को ऐसा बताया गया है, पर फिर भी मैं अभी इसको एग्जामिन करा रहे हैं हम लोग इसको, और एक दो दिन में हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि आगे इसके ऊपर हमें क्या एक्शन लेना है। इट्स नॉट अबाउट बैकिंग। देखिए एक चीज़ ये जो आप केजरीवाल और जंग के बीच में लड़ाई, केजरीवाल की जंग साहब से जंग नहीं है, हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से है। और केंद्र में बैठी हुई नरेंद्र मोदी सरकार बुरी तरह से घबरा गई है, 67 सीट जब से आई है इनकी जड़ें हिली हुई हैं बुरी तरह से, वो दिल्ली के अंदर अड़चने पैदा कर रही है, और उनकी सारी अड़चने के बावजूद दिल्ली सरकार काम करती जा रही है, दिल्ली सरकार काम करती जा रही है। बिल्कुल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं नहीं, एलजी साहब फेस हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब फेस हैं, जंग साहब फेस हैं। जंग साहब के कोई कंट्रोल में नहीं है, हर चीज का ऊपर से ऑर्डर आता है, हर चीज का ऊपर से वो आता है। तो जंग साहब तो चेहरा है असली। देखिए हो क्या रहा है, जैसे जब हम लोग आज़ाद, भारत आज़ाद नहीं था, गुलाम था, तो लंदन था, लंदन में महारानी बैठती थी, क्वीन ऑफ इंग्लैंड बैठती, तो यहाँ वाइसरॉय होते थे, तो वहाँ से आदेश आते थे, वहाँ से नोटिफिकेशन आते थे, और यहाँ से। तो एलजी साहब वाइसरॉय हैं इनके, और PMO लंदन है, सारे आदेश PMO से आते हैं, और वाइसरॉय तो यहाँ से उनके जो उसके से इशारे पर। देखते हैं अभी एग्जामिन कर रहे हैं अब ये लड़ाई। तो खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।